हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक एंड यार आज मैं लेके आया हूँ रियलमी एयरबड्स प्रो का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो ये मैंने अभी ऑर्डर की है, इसकी आउटसाइड पॉलिथीन तो मैंने यार एक बार खोल के देख ली थी कि अंदर ईयरफोन्स है भी या नहीं, बिकॉज आजकल भरोसा नहीं होता, कुछ भी देते हैं लोग अंदर। तो आओ इसकी एक बार अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और फिर इसका मैं रिव्यू भी डालूंगा, कंप्लीट रिव्यू कि कैसे है, मुझे यूज़ करने में कैसे लग रहे हैं। तो अगर हम इसके बॉक्स की पैकेजिंग देखें, रियलमी बड्स एयर प्रो, ये ब्लैक कलर शो कर रहा है बट मैंने वाइट ऑर्डर किया है। एंड पीछे तो इसके कुछ फीचर्स दिए हैं कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है अप टू 35 डेसिबल्स, देन सुपर लो लेटेंसी मोड है, 25 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम है, एंड ड्यूल माइक नॉइस कैंसिलेशन है। वो भी मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ इसके माइक से। तो आओ एक बार चेक करते हैं इसको। तो कुछ ऐसा ऐसा इसके बॉक्स के अंदर कंटेंट रहेगा। तो सबसे ऊपर तो इसके कुछ पेपर वर्क है जिसमें इसका वारंटी कार्ड और बुकलेट होगी। तो ये तो बस दिखा रहा है कि क्या क्या है, कैसे काम करेगा, दो बार टैप करेंगे, तीन बार टैप करेंगे, क्या होगा। देन ये इसकी पूरी गाइड है, तो कभी खाली हो तो पढ़ सकते हो। एंड इसकी बैटरी इंडिकेशन से यहाँ पे कुछ दी है कि अगर इसकी 20% से कम जैसी बैटरी जाएगी तो यहाँ पे इसकी लाइट रेड हो जाएगी, एंड अगर जैसे 20% से ऊपर जाएगा तो ग्रीन लाइट शो करने शुरू कर देगी। तो ये कुछ बुकलेट है इसमें, इस सबको भी हम साइड में रख देते हैं। देन कुछ ऐसे से केस में आएंगे हम, चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं इसके साथ में और क्या क्या है। तो ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें देखते हैं हम क्या क्या निकलेगा। तो कुछ ऐसा सा है इसके बॉक्स के अंदर, और एक डेटा केबल है, छोटी सी डेटा केबल है, टाइप सी डेटा केबल लगती है इसमें, एंड अच्छा है, टाइप सी जल्दी चार्ज कर देती है, एंड आजकल तो यार हर चीज़ टाइप सी कंपेटेबल आ रही है, तो इट्स गुड। तो एक डेटा केबल है इनकी, अब इनके सिग्नेचर येलो कलर में, एंड देन इसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा बड्स दिए हैं, तो एक पेयर लग के आता है, दो बड्स के पेयर एक्स्ट्रा हैं, तो कभी मिसप्लेस हो जाए या फिर चेंज करने हो तो इट्स गुड। देन एक बार हम इसके बड्स के केस पे नज़र डालते हैं। तो कुछ ऐसा सा है इसका केस, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी क्यूट सा है देखने में, जो राउंड एजेस के साथ आया है। इसका पुराना वाला जो था बट एयर, वो स्क्वायर शेप में था, बट ये राउंड शेप में है, ग्लॉस वाइट कलर है इसका, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ कलर इसका ऐसा है कि जल्दी गंदा हो जाएगा, ग्लॉस वाइट पे मिट्टी विट्टी धूल एकदम दिखती है, बट ठीक है, केस देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका एक मल्टी फंक्शन बटन है, तो ये पेयरिंग मोड के लिए भी काम आता है। अगर हम इस बटन को 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो जो हमारा केस है वो पेयरिंग मोड में चला जाएगा, अगर जैसे ये लाइट ब्लिंक होती है। तो जब भी हमें फ़ोन से कनेक्ट करना हो हमें ये करना पड़ेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसकी ऐप भी कैसे काम करती है। तो कुछ इस तरह का कई केस है। हाँ इसको यार क्योंकि कर्व्ड है जिससे हम नीचे रख नहीं सकते, इसे गिर जाएगा ये, और ऊपर से भी काफ़ी सॉफ्ट है, अगर इसको हमें खोल के रखने की ट्राई करेंगे कहीं तो ये अपने आप बंद हो जाता है, तो हम इसको खोल के रख नहीं सकते। तो अगर आपको पेयर करना है, कुछ भी करना है, तो आपको ये हाथ में ही पकड़ के रखना पड़ेगा। तो एक बार निकाल के देखते हैं यार इसको, ये कुछ इस तरह से हैं इसके। चलो केस को ये साइड में निकाल के रख देते हैं, अभी केस को भी हम साथ में रखते हैं। तो ये कुछ लुक्स है, अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी एप्पल एयरपॉड्स प्रो की तरह ही दिखते हैं दूर से। अगर आपने पहने हुए हैं और आप कहीं वीडियो कॉल वगैरह पे हो तो कोई इतनी आसानी से नोटिस नहीं कर पाएगा कि हाँ ये एप्पल नहीं है, रियलमी है। तो अच्छे लग रहे हैं, गुड यार, क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी, क्वालिटी काफ़ी सही लगी मुझे तो। एंड जो हमने देखा था कि ये कॉलिंग के लिए बैकग्राउंड नॉइज सप्रेशन करता है, तो इसमें 3 माइक्स यूज़ हुए हैं अगर आप देख सको, एक यहाँ पे है, सेकंड यहाँ, एंड थर्ड माइक इसका यहाँ पे होता है। तो इसमें टोटल 3 माइक्स होते हैं जिसमें से 2 हमारे को बैकग्राउंड नॉइज सप्रेशन में काम आते हैं। तो मैं यूसेज आपको बताऊँगा कि इसकी कॉलिंग वगैरह यूसेज कैसी है। तो अनबॉक्सिंग में तो यही था। तो यार आओ उसको एक बार हम देखते हैं कि ये पेयर कितना इजीली हो जाता है और इसकी ऐप में क्या क्या फीचर्स है।
तो जो गूगल ने ये डाला है इसमें फास्ट पेयरिंग मोड, वो भी हम एक बार चेक करते हैं। जैसे ही हम एप्पल एयरपोड्स खोलते हैं केस वो कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही अब गूगल ने एंड्रॉयड के साथ भी लिंक कर दिया इन डिवाइसेस को। तो अगर अब मैंने ये केस खोला है और अभी इसके ईयरफोन्स बाहर निकाले भी नहीं है, तो भी अपने आप ऑटोमेटिकली केस हमारा इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो अगर अभी देखेंगे तो इसमें एक नोटिफिकेशन आती है जो आप ये देख सकते हो, जो ये शो करेगा बीच में केस की कितनी चार्जिंग है एंड लेफ्ट और राइट ईयरफोन्स की कितनी चार्जिंग है। तो ये कनेक्ट हो चुके हैं अपने आप खोलते ही केस। और अगर हम अब इसकी ऐप में जाके देखें एक बार, रियलमी लिंक की ऐप होती है जिसमें दिखा रहा है कि हमारे रियलमी बड्स एयर प्रो कनेक्टेड है। तो अगर हम यहाँ जाके देखें यहाँ पे, तो यह सबसे ऊपर इसकी बैटरी बताता है। देन इसमें कुछ फीचर्स है कि हम कौन सी है, नॉइस कैंसिलेशन मोड यूज़ करना है हमें, जनरल मोड यूज़ करना है, ट्रांसपेरेंसी मोड यूज़ करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा तीनों मोड में क्या डिफरेंस है। देन इसमें कुछ आते हैं हमारे गेमिंग मोड, वॉल्यूम एनहेंसर, बास बूस्ट, एंड देन हम यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं कि हमें इस पे डबल टैप या ट्रिपल टैप पे क्या फीचर्स डालने हैं। लाइक अगर मैं लेफ्ट वाले पे डबल टैप करूँगा तो मुझे क्या चाहिए, ट्रिपल टैप करूँगा तो मुझे क्या चाहिए, और मैं राइट के साथ सेम भी रख सकता हूँ या अलग भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने राइट पे ट्रिपल टैप पे रखा है कि मुझे वॉइस असिस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं जैसे ही ट्रिपल टैप करूँगा तो मेरा ओके गूगल काम करना शुरू कर जाएगा, जिससे मैं अपनी वॉल्यूम कम या ज़्यादा करवा सकता हूँ, बिकॉज इस ईयरफोन्स में वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए कोई बटन नहीं होता। तो ये इसके कुछ ऐप थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और यार मैं इसको कुछ दिन यूज़ करके देखूंगा इसकी क्या परफॉर्मेंस है, और मैं बहुत जल्द इसका रिव्यू डालने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि यार तुम अपडेटेड रहो, और हाँ लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।